रीनेमिंग ए फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज़ 10। कैसे रीनेम करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर्स यू वांट टू रीनेम। सबसे पहले फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक द होम टैब एंड चूज रीनेम इन ऑर्गेनाइज ग्रुप। होम टैब पे चले जाएंगे, उसके बाद हम रीनेम पे चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइज ग्रुप तो रीनेम हो जाएगा, या हम राइट क्लिक करेंगे और उससे हम रीनेम ऑप्शन चुनेंगे, उसको उससे क्या कर देंगे, हम रीनेम कर देंगे। ए बॉक्स अपेयर्स अराउंड द करंट नेम विथ इट्स डिटेल। अब क्या हो जाएगा, एक हमारा पॉपअप बॉक्स हमारा यहाँ पर ऐसे अपेयर होगा जिसपे हम नेम डाल देंगे, उसको हम रीनेम कर देंगे। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है ओपनिंग फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज 10। टू ओपन फाइल एंड फोल्डर यू हैव टू डबल क्लिक ए फाइल एंड फोल्डर टू इन दिस पैनल टू ओपन इट। हम या तो डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल एंड फोल्डर ओपन हो जाएंगी। अगर हम एक फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अगर हम एक फोल्डर ओपन करना, इफ़ यू वांट टू ओपन ए फोल्डर सेलेक्ट द फोल्डर एंड क्लिक द फोल्डर आइकन एंड दैट अपेयर्स इन द ओपन ग्रुप। फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, या हमारा राइट क्लिक करेंगे एक एक्सप्लोर बटन आता है उस पर हम क्लिक जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, इफ़ यू वांट टू ओपन ए फाइल। अब फोल्डर नहीं, अगर हम एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द फाइल एंड देन क्लिक द ओपन फाइल विथ सेलेक्टेड एप्लीकेशन आइकन। हम उसको फाइल को ओपन करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और ओपन आइकन पर जाएंगे, ठीक है, दैट अपेयर्स इन ए ओपन ग्रुप, या हम राइट क्लिक करेंगे उसको एक्सप्लोर बटन पर चले जाएंगे तो ये हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब हमारा थर्ड वन आता है मूविंग और कॉपिंग ए फाइल। हम एक फाइल को मूव या कॉपी कैसे करते हैं, इसका आ जाता है, क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर बटन इन द टास्क बार। टास्क बार पर हम फाइल एक्सप्लोरर बटन या हम फाइल मैनेजर बटन पर जाते हैं, सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर्स यू वांट टू मूव। फाइल एंड फोल्डर्स को सेलेक्ट कर देते हैं जिसको हमें मूव करना है। पॉइंट द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर एंड देन प्रेस होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस की बटन। अब सबसे पहले हम लेफ्ट माउस की बटन को ले आएंगे फोल्डर के पास, उसको फोल्डर को हम क्या कर देंगे, लेफ्ट की बटन से उसको सेलेक्ट कर देंगे, फिर ड्रैग द फाइल फोल्डर इन प्लेस वर यू वांट टू प्लेस। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइल को हम सेलेक्ट कर लिए हैं माउस से लेफ्ट बटन से, अब इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे या उठाएंगे और दूसरे प्लेस पे जहाँ पे हम इसको प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर देंगे। रिलीज द माउस बटन, और माउस बटन को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब हमारा आता है डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर्स इन विंडोज़ 10। सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले हम फाइल एंड फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और ऑर्गेनाइज ग्रुप से हम डिलीट को चूज़ कर लेंगे, या हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आता रहता है उससे हम जाके उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, द डिलीटेड फाइल एंड डायलॉग बॉक्स अपेयर्स। अब क्या डिलीट फाइल का डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, यस को क्लिक कर देंगे। दिस सेलेक्टेड फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द फोल्डर। अब सेलेक्टेड फाइल हमारे फोल्डर से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट होने के बाद ये कहाँ चली जाती है, व्हेन यू फाइल योर डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर इट गोज टू रिसाइकल बिन। ये कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा रहता है, ठीक है, तो जो भी फाइल डिलीट होती है सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाती है, डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन में हम इसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर करने का मतलब ये फिर से अपने प्लेस पर आ जाएगी, या अगर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया रिसाइकल बिन से इसको, तो ये फाइल हमारी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अब हम आते हैं फाइल टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस में, कैसे हमारे एक्सटेंशंस होते हैं फाइल। ये हमारा देखिए वर्ड का आइकन है, ये जो हमें इस तरह से दिखता है उसको हम आइकन बोलते हैं। इसमें जो पहला नाम होता है bpb.docs। अब bpb क्या है, ये नेम है, नेम को हम कई बार भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन .docs ये क्या है, docs क्या है, हमारा एक्सटेंशन है या फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। फॉर्मेट में क्या होगा, फॉर्मेट हमारा कभी चेंज नहीं होता, जैसे फॉर्मेट हमारा होता है, हमारा जो इमेज फाइल होती है उसके लिए होता है .jpg होता है, ठीक है, और अगर हमारे वीडियो फाइल होता है तो .mp4 होता है या .mov होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो PDF फाइल होती है उसके लिए .pdf होता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं जो कि हमारे कभी चेंज नहीं होते और डॉक्यूमेंट की फाइल टाइप्स को दिखाते हैं।